हेलो स्टूडेंट्स दिस इज तनुश्री सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 19 फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन देखो ये करने से पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन देख लेंगे व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन और अ फ्रैक्शन एंड द नेचुरल नंबर इज वन देन वन ऑफ देम इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर तो देखो अगर दो फ्रैक्शंस और एक फ्रैक्शन और एक नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट वन आता है तो एक नंबर को हम और एक नंबर की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल बोलेंगे ठीक है तो देखो वन अपॉन थ्री इंटू थ्री तो यहाँ पे थ्री मीन्स थ्री के नीचे वन है ठीक है तो हम न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वन इंटू थ्री और नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू वन ठीक है तो देखो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो होगा वन ठीक है तो हम बोलेंगे यहाँ पे वन अपॉन थ्री इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ थ्री और थ्री इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ वन अपॉन थ्री ठीक है तो देखो यहाँ पे एट इन टू डैश इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे एट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ अगर ये हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा वन आ जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ पे एट के नीचे कुछ नहीं है मीन्स वन है डिनोमिनेटर में ठीक है तो अभी मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है वन हो जाएगा और नीचे न्यूमिनेटर हो जाता है तो वन अपॉन एट हो जाएगा ठीक है तो देखो एट इंटू वन और नीचे वन इंटू एट तो एट एट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने से वन आएगा ठीक है तो नेक्स्ट देखो थर्टीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये वन आ जाएगा ठीक है थर्टीन इंटू वन अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू वन तो नाइन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन अपॉन नाइन इसके साथ ये मल्टीप्लाई करने से वन आ जाएगा अभी देखो फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन अपॉन फाइव तो वन अपॉन फाइव इंटू फाइव करने से वन आ जाएगा अभी देखो सिक्सटीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन अपॉन सिक्सटीन हो जाएगा इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू वन फिफ्टीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन अपॉन फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू वन क्वेश्चन नंबर टू देखो फर्स्ट वन अपॉन सेवन इंटू डैश इज इक्वल टू वन वन अपॉन सेवन के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ अगर ये हम मल्टीप्लाई करें तो वो वन आएगा ठीक है तो देखो वन अपॉन सेवन के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में होगा और जो न्यूमेरेटर में है वो डिनोमिनेटर में होगा तो वन अपॉन सेवन की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा सेवन अपॉन वन तो हम नीचे वन नहीं लिखेंगे सिर्फ सेवन लिखेंगे ठीक है तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा सेवन सेवन तो वन हो जाएगा ठीक है अभी नेक्स्ट देखो वन अपॉन नाइन्टीन की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा नाइनटीन ठीक है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से वन आएगा अभी नेक्स्ट देखो सेवनटीन अपॉन वन हंड्रेड एंड फाइव तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फाइव और नीचे हो जाएगा सेवनटीन ठीक है देखो कैंसिल हो जाएगा तो वन आएगा अभी नेक्स्ट देखो टू अपॉन थर्टीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा थर्टीन अपॉन टू तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से वन आएगा ट्वेंटी वन अपॉन एट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एट अपॉन ट्वेंटी वन तो ये मल्टीप्लाई करने से वन आएगा अभी देखो नेक्स्ट इलेवन अपॉन सेवनटीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सेवेंटीन अपॉन इलेवन तो ये मल्टीप्लाई करने से वन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्सेज ऑफ द फॉलोइंग तो देखो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स लिखना है तो ट्वेंटी सेवन का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा देखो डिनोमिनेटर में वन है तो वन न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हो जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी सेवन अभी नेक्स्ट देखो हंड्रेड का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड ठीक है अभी नेक्स्ट देखो वन अपॉन फोर्टीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा देखो डिनोमिनेटर में फोर्टीन है तो वो न्यूमिरेटर में आ जाएगा और न्यूमेरेटर में वन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वन लिखने की जरूरत नहीं है तो हम सिर्फ फोर्टीन लिखेंगे ठीक है अभी देखो नेक्स्ट वन अपॉन ट्वेंटी टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा ट्वेंटी टू नेक्स्ट वन अपॉन सेवेंटी फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा सेवेंटी फाइव अभी नेक्स्ट देखो फोर अपॉन इलेवन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा इलेवन अपॉन फोर ठीक है अभी नेक्स्ट देखो ये हम फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फोर टू 8, एट एट प्लस थ्री इलेवन इलेवन अपॉन फोर तो इलेवन अपॉन फोर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा फोर अपॉन इलेवन ठीक है अभी नेक्स्ट देखो इलेवन अपॉन एट इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा एट अपॉन इलेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर राइट ट्रू और फॉल्स देखो ये दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ये ट्रू और फॉल्स है ये हमें लिखना है तो देखो फर्स्ट एवरी होल नंबर अदर देन जीरो हैज़ अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो जीरो छोड़ के जो बाकी होल नंबर्स है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो देखो जीरो छोड़ के अगर हम वन से देखें तो सारे नंबर का ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ठीक है तो ये ट्रू हो जाएगा अभी नेक्स्ट देखो देयर इज नो नंबर इज द नंबर इट सेल्फ तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लीकेटिव नंबर वो खुद नंबर होगा ठीक है तो ऐसा नंबर है अगर हम वन का देखें तो वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो खुद होता है ठीक है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स ठीक है तो ये था एक्सरसाइज 19 हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 20 स्टार्ट करेंगे